तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो विंडोज 95 यहाँ पे मेरे ब्राउजर में ही चल चुका है एंड ये काफ़ी कूल लग रहा है देखने में। तो है गाइज, मैं हूँ एलेक्स एंड आप देख रहे हो टेक्नोलेक्स। तो चले बिना टाइम वेस्ट के आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो है गाइज, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ PCJS के बारे में। तो ये एक्चुअली एक जावा स्क्रिप्ट में बनाया गया ब्राउजर बेस्ड एमुलेटर है। मतलब इसको चलाने के लिए आपको कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा, तो आप इसको डायरेक्ट ब्राउजर में चला सकते हो। एंड यहाँ पे आपको रेडी टू यूज़ काफ़ी सारे OS मिल जाता है। ऑफकोर्स ये ओल्ड OS है एंड इसमें कोई भी आपको लेटेस्ट OS नहीं मिलने वाला है एंड इसमें आपको काफ़ी सारे गेम्स भी मिल जाएगा। तो इसको यहाँ पे यूज़ करने के लिए आप सिंपली PCJS लिख सकते हो एंड आप सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। एंड ये जो फर्स्ट रिजल्ट है इस पर अगर आप टैप करोगे तो आप इसका ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाओगे एंड यहाँ पे काफ़ी सारे प्रोग्राम है जो कि आप चला सकते हो बिना किसी इंस्टॉलेशन के इस एमुलेटर पे। एंड ये सब काफ़ी ओल्ड है, आप यहाँ पे देख सकते हो 1984 से है ऑलमोस्ट। यहाँ पे IBM दिया गया है, विंडोज 3.0 भी दिया गया है आप यहाँ पे देख सकते हो, जो कि 1990 में रिलीज हुआ था। एंड इसके नीचे गेम भी दिया गया है एंड ऑब्वियसली यहाँ पे काफ़ी सारे गेम है, OS है, विंडोज 95 भी है। एंड यहाँ पे आपको जिस भी OS या फिर गेम को चलाना है तो सिंपली आप उस पर टैप करोगे तो वो यहाँ पे थोड़ा सा बूट होगा एंड बूट होने के बाद यहाँ पे ये रेडी टू यूज हो जाएगा। एंड मैं यहाँ पे IBM माइक्रोसॉफ्ट एडवेंचर पे टैप किया हूँ तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये बूट होना स्टार्ट हो गया है एंड ये कुछ ही देर में रेडी हो जाएगा यूज करने के लिए। तो ये एक्चुअली आपके इंटरनेट स्पीड पर डिपेंड करता है एंड आप यहाँ पे देख सकते हो ये लोड हो रहा है एंड ये ऑलमोस्ट लोड हो ही चुका है। एंड यहाँ पर आपको एक कॉर्नर पे फुल स्क्रीन का ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर टैप करके फुल स्क्रीन में चला सकते हो इसको। एंड अगर आपको फुल स्क्रीन से बाहर आना है तो आप सिंपली कीबोर्ड पे एस्केप की को प्रेस कर दीजिए, आप फुल स्क्रीन से एग्जिट हो जाओगे। एंड इसमें काफ़ी सारे हैं जो कि आप खुद से यहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हो एंड इसमें से कुछ यूजफुल भी हो सकता है जो आपके काम आ जाए। तो आई होप कि आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।